हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता एनालिस्ट। तो आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बहुत बढ़िया से तैयार वार होकर, आप ज़रूर कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ मैं रील का शूट कर रही थी, और आप मेरा इंस्टाग्राम में जल्दी जल्दी फॉलो करो और देखो, मैं सब अपलोड करती रहती हूँ, अपडेट रहती हूँ मैं इंस्टाग्राम में ज़्यादा। और यहाँ मैं तैयार हो गई थी, और तैयार होने के बाद मेरे पास टाइम था, तो मैं गन्नू को जल्दी जल्दी उसका ब्रेकफास्ट करवा दे रही थी, क्योंकि हम लोगों का घर में था आज रुद्रा अभिषेक, और आज था नाग पंचमी। आप सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। तो यहाँ मम्मी सब फूल की तैयारी कर रही है। जैसे कि आपको पता है, रुद्रा अभिषेक में फूल मस्ट है, फूल तो रहना ही चाहिए, फूल से पूरा सजते हैं भगवान। और यहाँ गनू खा नहीं रहा था बहुत, मतलब उसका मन नहीं था, तो मैं छोड़ भी दी कि रहने दो। और यहाँ मम्मी से मैं साड़ी ठीक करवा रही थी, क्योंकि मैं खुद से पहनी थी और अच्छे से पहन नहीं पाई थी, तो मम्मी यहाँ मेरे को तैयार कर रही थी साड़ी पहना के। तो चलिए गाइज, आप वीडियो इन्जॉय करिए। और आज मैं पहली बार अपने ससुराल में, फर्स्ट टाइम मैं नाग पंचमी का शुरुआत की हूँ पूजा, क्योंकि मेरी सास नहीं करती हैं, क्योंकि मेरी सास का सास भी नहीं करती थी, जैसे दादी सास। तो अब क्यों नहीं होता है अब ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को देखी हूँ करते हुए। तो इसलिए मैं इस साल से नाग पंचमी मैं खुद उठा ली, और मैं ही करूँगी हर साल ये पूजा। तो मम्मी बोली कि चलो तुम कर लो, और ऐसा कुछ नहीं है गाइस, पता ही नहीं है क्यों नहीं होता। एक होता है ना कि पता होना चाहिए कि क्यों नहीं होता है, तो मेरी अपनी मम्मी से पूछा कि क्यों नहीं होता है, तो बोली मुझे नहीं पता, बस मेरी सास नहीं करती थी इस वजह से। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो चलो कोई नहीं, मैं आज पहली बार अपने घर में नाग पंचमी की शुरुआत की, और मैं की, और मैं सबसे करवा, अब मैं अपनी बहू से करवाऊँगी, क्योंकि मैं शुरुआत की हूँ। तो चलिए गाइस, अब वीडियो में बने रहे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबका तोड़ कैसे दे रहे हैं महाराज, जिंदगी में किसी का नहीं टूटता है। अरे तो टूटने का वारंटी नहीं ना लेगा कोई भी, वारंटी मतलब क्या होता, खराब होने का। अब वो ऐसा चीज है जो टूटता नहीं है, आपका टूट रहा है, बताइए कौन हिसाब से काम करते हैं। चल आ रही थी तुरंत, बोल दी आ रही थी, ठीक बोल देना। हाँ चल चलिए, फिलहाल काम चलाइए, बात करते हैं हम उसको भी। बोले दी बोले तो ना, तो मम्मी किचन पास जरूर बनाती है, इसमें बनाओ ना, एकदम सही बोधी ना हो रे, इसमें पहचान जाता बाबू। निकल चुके हैं, हमारे घर में आज पूजा है, जो मंदिर में हो रहा है पूजा, है ना गन्नू? गन्नू घर में हो, नहीं हो रहा है मंदिर में। माँ आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। आज हमारे घर में रुद्राभिषेक है, और वो मंदिर से हो रहा है, घर पे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं इस वजह से। तो अगला साल से आई होप हम लोग अगला साल से घर पे करें, और सब परिवार हम लोग रहेंगे, जैसे दीदी लोग सब कोई हमारे फैमिली से भी। तो इस बार हाँ, आप बने रहे वीडियो में। बाय बाय कर दो बेटा, मम्मा यहाँ लेके आ रही है सब सामान। हाँ साइड में रख दे सब। हाँ उधर रखो, पकड़ दे अपने का। रुकिए, बाबू का पानी रख दे। लो एक मिनट, तू उठ तो बेटा। ए बेटा रुको, नहीं तुम उधर आगे बैठो, आगे। नहीं, आधी चीज हो गई। यहाँ सब सामान ले ली हूँ, और मैं आज हिंदी साड़ी पहनी हुई हूँ, और ज़रूर अब बताना, मैं फुल लुक दिखाऊंगी मंदिर पे जाने के बाद, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। पंडित जी दिए थे 9 बजे का टाइम, और हम लोग लेट से जा रहे हैं, और भी मम्मी ला रही है सामान।
क्या पूजा वाला सामान है नहीं? गन्नू इधर आ, गन्नू हाय कर दो, हाय हाय कर दो गन्नू। आज इसी मंदिर में हमारा रुद्राभिषेक है और हम आपको दर्शन करवा रहे हैं शंकर जी का, भोलेनाथ का। तो बैक कैमरा करके दिखा शंकर भगवान का। यहाँ दो शिवलिंग हैं जो कि हमारा वो शिवलिंग में होगा रुद्राभिषेक, और यहाँ सब पार्वती माता, बजरंगबली, हनुमान जी, बंडी सब सामान ले लेके आ रहे हैं गाड़ी से। मम्मी आई है यहाँ पूजा करने के लिए और मैं भी कर लेती हूँ साथ में। मैं आपको राधा रानी का दर्शन करवाती हूँ। चादर वादर लाना है क्या? क्यों जाएगा? देखो मम्मी जय कर रही है, तुम भी जय करो। रुको बेटा चलते हैं। यहाँ पूजा पाठ हो गया था और होने के बाद पंडित जी बोले थे कि मंदिर को मतलब धो दीजिए, क्योंकि वहाँ सब कोई पूजा किया था ना, तो इस वजह से। तो फिर रुद्राभिषेक की यहाँ तैयारी करना पड़ रहा था मंदिर में आके, क्योंकि हम अपना साइड में जो भी पूजा पाठ का सामान था वो सब एक जगह कर रहे थे और बेलपत्र में राम लिख रहे थे। तब तक मम्मी बोली कि मैं मंदिर धो देती हूँ। फिर यहाँ पापा पानी दे रहे थे मम्मी को और मम्मी धो रही थी, और जितना फूल चावल जो भी था सब बोले थे कि हटा देने के लिए, मतलब शिवलिंग में कुछ भी नहीं रहेगा। तो सब बढ़िया से हम लोग धो दिए। धोने के बाद फिर हम लोग और भी जितना पूजा का सामान था सब मम्मी से मैं मांग रही थी कि जो भी है आप दे दीजिए, मैं वहाँ कर देती हूँ, क्योंकि मंदिर में ज़्यादा स्पेस नहीं था बैठने का उतना, क्योंकि बहुत सारा सामान था ना। तो मम्मी हमको सब निकाल के यहाँ दे रही थी और मुझे यहाँ, और यहाँ पंडित जी बोल रहे थे कि मतलब आप लोग ऐसे बैठ जाना वैसे बैठ जाना और मैं बाहर बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली नहीं नहीं आप बाहर नहीं बैठिएगा, हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे इसी में। और फिर यहाँ मैं बेलपत्र लेके फिर और भी राम राम लिखना था सब मैं लिखने लगी। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट में रुद्राभिषेक का फुल वीडियो आएगा पूजा का, तो आप ज़रूर उससे देखना। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और देखिए यहाँ पूजा का तैयारी स्टार्ट हो गया था, लेकिन यही वीडियो एंड करते हैं, आपको नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। यहाँ सबको सूता बांधा जा रहा है, जो कच्चा सूता होता है कलवा, तो सबको कलवा बांधा जा रहा है। और चलिए गाइस, वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे